दोस्तों, हर कहानी या फिल्म में कोई ना कोई हीरो जरूर होता है जो सारी मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक कहानी ही है जिसके हीरो हैं हम खुद। हर किसी के अंदर एक हीरो है जो अपनी ज़िंदगी की कहानी का हीरो है। दोस्तों, हमारी आज की बुक है रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक हीरो। रोंडा बर्न वही ऑथर हैं जिन्होंने विश्व में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली बेहतरीन बुक द सीक्रेट लिखी है। अगर आपने अभी तक सीक्रेट बुक की समरी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये बुक आपको एहसास दिलाती है कि आपके अंदर भी एक हीरो है जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों का डटकर सामना करके विजेता बन सकता है। आपको ये एहसास होगा कि एक बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही है। इस बुक को ऑथर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 4 भाग हमारी ज़िंदगी की कहानी के 4 भाग ही हैं, जिनमें सबसे पहला भाग है ड्रीम, दूसरा भाग है हीरो, तीसरा भाग है खोज और चौथा भाग है विजय। पहले भाग में आपके पास एक सपना होता है, दूसरे भाग में आप अपने अंदर के हीरो को पहचानते हो, तीसरे भाग में आप अपने सपने की खोज के लिए निकलते हो और चौथे भाग में आपको विजय नसीब होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको हर मंगलवार मिलती है एक नई बुक की समरी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हीरो की यात्रा पर। Part 1, द ड्रीम, द कॉल टू एडवेंचर। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे एक बेस्ट लाइफ नहीं। अगर ऐसा होता तो आपके पास चाहने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती, आपकी अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने की इच्छा ही नहीं होती, आपके कोई सपने भी नहीं होते। आपको चाहे कैसी भी पारिवारिक ज़िंदगी मिली हो या एजुकेशन मिली हो या फिर न मिली हो, आप इस संसार में अपने सपने साकार करने आए हैं। आप इस समय चाहे जहाँ भी हैं, ये बात अच्छी तरह समझ लो कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वे सारी चीज़ें अभी मौजूद हैं। हर इंसान जो कभी पैदा हुआ है या फिर पैदा होगा किसी न किसी अनूठे गुण या योग्यता के साथ इस संसार में आता है। आपके बारे में ये खास चीज़ ही आपकी कॉल है। आपकी कॉल ऐसी चीज़ है जो आप में चाबी भरती है, आपको एनर्जी देती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो, जिसके बारे में आप जोश से भरे हुए रहते हो और जिससे आप प्रसन्न रहते हो। आपकी ये खास कॉल करियर, जॉब, खेल, बिजनेस कुछ भी हो सकता है जिसमें आप कुछ हासिल करने की तीव्र इच्छा रखते हो। ये आपका शौक भी हो सकता है। बहुत से लोगों के शौक बाद में बड़े सपनों में बदल गए और बड़े सपने आगे चलकर बड़ी कंपनियों में बदल गए। जीवन की कोई भी सिचुएशन 100% नेगेटिव नहीं होती। हर नेगेटिव सिचुएशन के साथ उसका अपोजिट भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हर बुरी दिखने वाली चीज़ के अंदर थोड़ी अच्छाई भी छिपी हुई होती है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन कितनी है, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप इनके भीतर छिपे हुए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या करते हो। ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको किसी बड़े सपने की ज़रूरत नहीं है, बस जीवन में अवसरों के प्रति अपनी आँखों को खुला रखिए। फाइंडिंग योर ड्रीम। लोग अपने बाहर देखते हैं लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान जाते हैं। लेन बिचली। जब आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं तो आप क्या करोगे? अगर पैसों का मैटर बीच में ना आए तो आप क्या करोगे? यदि सक्सेस की गारंटी आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? जब आप कोई सवाल पूछते हो या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल पूछते हो तो सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देगी। सवाल पूछने से पहले खुद को शांत मन की स्थिति में पहुंचा दें, इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे लाइफ में मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, मेरे यहाँ होने का कारण क्या है। इन सवालों का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें बल्कि इसे हवा में झूलने दें। 1 मिनट तक शांत रहें, जो भी चीज़ आए उस पर ध्यान दें और गौर करें कि उस दिन आप क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। फॉलो योर ब्लिस। ये 3 शब्द आपके जीवन के कंपास हैं जो आपको बताते हैं कि हर पल आपकी दिशा की सुई किस साइड होनी चाहिए। आनंद आपको तब मिलता है जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसे करने से आपको बेहद प्रेम हो। ये एक धागा है जो आपके सपने से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब आप अपने आनंद को फॉलो करते हो तो आप अपने सपनों को भी खोज लेते हो। GM राव कहते हैं, मैं काम इसलिए नहीं करता क्योंकि काम करना मेरी मजबूरी है, बल्कि मैं तो काम इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे आनंद आता है। जब आपका काम आपका आनंद होगा तो आप खुश रहोगे।
अगर आप वो काम नहीं करते हो जिससे आपको प्रेम है, और इसके बजाय अगर आप वो काम करते हो जो आपके हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हो। बहुत से लोग उस काम को कर रहे हैं जो उन पर रिश्तेदारों, माता पिता, शिक्षकों या समाज या फिर उनके किसी मित्र ने थोपा है, इसलिए वे दुखी हैं। कोई दूसरा क्या सोचता है इस विचार को दिमाग से निकाल दीजिए। खुद के आनंद को फॉलो करने का साहस रखिए और आप बेहद खुश रहोगे। पार्ट टू, द हीरो बिलीफ। हीरो की सबसे पावरफुल क्षमता यह है कि वो खुद में यकीन रखता है जो आप सब में मौजूद है। आपका विश्वास आपको हर प्रॉब्लम और हर बुरी सिचुएशन से सही सलामत बाहर निकाल देगा, और उसकी बदौलत आप अपने सपने को हासिल कर लोगे। अगर आपको खुद पर ही विश्वास ना हो तो क्या होगा? खुद पर विश्वास न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने सोच समझ कर जाने अनजाने में खुद पर विश्वास गंवा दिया है। आप स्वयं में विश्वास के साथ पैदा हुए थे, और अगर आप आज खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी लाइफ में खुद के बारे में दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट कर लिया है। विश्वास से उबरने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने बारे में जो विचार अब तक सोचते हुए आ रहे हैं उसके ठीक विपरीत सोचना शुरू कर दें। आप ये सोचें कि आप इस काम को कर सकते हैं। इसे करने के लिए हर शक्ति आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। खुद को याद दिलाएं कि आप में बहुत योग्यताएं हैं, और आप जानते हैं कि सही समय आने पर उनका उपयोग कैसे करना है। खुद को याद दिलाएं कि आपको बस एक कदम उठाने की ज़रूरत है। हीरो की जर्नी में आप जो भी स्टेप्स उठाते हो और जो भी एक्सपीरियंस आपको होता है, हर स्टेप्स और हर एक्सपीरियंस के साथ आपका विश्वास बढ़ता जाएगा और मजबूत होगा, क्योंकि आपने खुद ये खोज लिया है कि आप सच में कितने सक्षम हैं। अपने सपने में यकीन करो और खुद में यकीन करो। आप एक हीरो हो, और आपके अंदर का हीरो सिर्फ ये विश्वास ही नहीं करता कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ये जानता है कि आप ऐसा जरूर करोगे। विज़न। जब आप अपने सपनों की चीज़ों को स्केच करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत स्केच से सपनों को बना लेता है। जब आप अपने सपनों के बारे में नोट्स लिखते हैं तो आपका दिमाग आपके नोट्स से अपने आप एक ड्रीम बना लेता है। आपने खिलाड़ियों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि वे 4 सालों से गोल्ड मेडल जीतने के इस पल को अपने दिमाग में देखते हुए आ रहे हैं। ड्रीम या मानसिक चित्र बनाने के लिए आप अपने दिमाग में अंतिम या मनचाहे परिणाम की पिक्चर रख लेते हो। अपने दिमाग से आपको हर दूसरी चीज़ हटानी होगी। ये मत सोचो कि ये कैसे हासिल होगा, बस अपने सपने का अंतिम परिणाम देख लो। सक्सेसफुल लोगों का सपना हमेशा उनके मन में था। वे शुरुआत से ही अपने सपने के साथ जी रहे थे और इस पर काम कर रहे थे। अजीम प्रेम जी कहते हैं, सक्सेस 2 बार हासिल की जाती है, एक बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक संसार में। द माइंड ऑफ अ हीरो। हर इंसान जिस सबसे मुश्किल चीज़ के साथ फाइट करता है वो है उसका एटीट्यूड। आप सचमुच समझ जाते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखे बिना आप अपने सक्सेस को रोक दोगे, और पॉसिबिलिटी है कि आप बीमार हो जाओगे। आप खुद अपना नज़रिया बनाते हो, और यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आपका नज़रिया बनता है आपके विचारों से, इसलिए अपने नज़रिए को चेंज करने के लिए पहला स्टेप यह है कि अपने विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। पॉजिटिव नज़रिए के लिए आपके आसपास की सारी सिचुएशन को आदर्श रहने की ज़रूरत नहीं है। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों को यह तय नहीं करने दे सकते कि आपका नज़रिया कैसा होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई ना कोई इंसान या परिस्थिति ऐसी मिल जाएगी जो आपको नेगेटिव एटीट्यूड रखने का कारण दे देगा। अगर आप अपने एटीट्यूड को अपना सबसे पावरफुल वेपन बनाना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर आपको अंदर से देना होगा। द हार्ट ऑफ अ हीरो। कोई इंसान सफल है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डर, अनिश्चितता या शंका की भावनाएं महसूस नहीं हुई थी। डर उनके लिए भी वैसा ही है जैसा आपके लिए है। शंका उनके लिए भी वैसी ही है जैसी आपके लिए है। सफल लोगों ने बस इन भावनाओं को महसूस करने के बावजूद अपने सपने का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने अपने डर या शंका को यह परमिशन नहीं दी कि वे उन्हें पंगु बना दें या उनके सपनों को हासिल करने से रोक सकें। हीरो की यात्रा के दौरान हम में से ज़्यादातर लोग मनोवैज्ञानिक डर का सामना करते हैं। मनोवैज्ञानिक डर वो होता है जिसे हम अपने दिमाग में खुद क्रिएट करते हैं, जबकि उस समय हमारी लाइफ को कोई खतरा नहीं होता है। जैसा कि आपको अपने एग्ज़ाम देते समय हुआ होगा, जब आपको ये फील हुआ होगा कि आपको आपका फ्यूचर इस एग्ज़ाम पर डिपेंड है। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो को अपना लक्ष्य पाने के लिए विलेन को मारना होता है,
फिल्मों के हीरो का लक्ष्य भी हमारे जीवन के जैसा ही होता है, क्योंकि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें भी सेम प्रोसेस से गुजरना होता है। ये विलेन कोई और नहीं बल्कि हमारे खुद के दिमाग की शंकाएं और डर हुए। फिल्मों की तरह हमें भी इनसे उबरना होता है ताकि ये हमारे सपने को पूरा होने से ना रोक पाए। जब आप डर के बावजूद अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम बढ़ाते हो तो आप पर डर की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और आपका साहस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे उतना ही ज़्यादा डर आपका कमज़ोर होता जाएगा। ग्रेटफुल हार्ट। हीरो की यात्रा में कृतज्ञता एक शांत और विनम्र लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल गुण है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम या दीवार है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ से बाहर कैसे निकलें, तो कृतज्ञता आपका रास्ता साफ कर देगी। ये तो ठीक वैसा ही है मानो आपकी कृतज्ञता के कारण सृष्टि आपको एक फ्री पास दे देती हो, जिससे आप उस प्रॉब्लम से पार पा लेते हैं। अचानक से आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कम हो गई है या फिर गायब हो गई है और आगे का रास्ता एकदम साफ हो गया है। द वे ऑफ द हीरो। हमारे रिजल्ट चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव, अगर हम उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तो हम कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे और न ही कोई विकास कर पाएंगे। आप जानते हो कि गर्म प्रेस को छूने का रिजल्ट होता है, ऑफिस वाले दिन सोने का रिजल्ट होता है, फ़ोन का बिल न भरने का रिजल्ट होता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हमें जो सबसे बड़े रिजल्ट मिलते हैं वो दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके से मिलते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो आपको कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो व्यवहार आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। आप संसार को जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जैसा बीज आप बोते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। सेब का बीज बोकर आप अनार का फल पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा व्यवहार आप औरों के साथ करते हैं उसी से आपके रिजल्ट्स बोए जाते हैं। कमिटमेंट। जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो आप उसके प्रति खुद ब खुद समर्पित हो जाते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप तो बस इसमें कूद जाते हैं। सही समय कभी भविष्य में नहीं होता, ये अभी है और आपका समर्पण ही वो इशारा है जो आपके सपनों के दरवाजे को खोलता है। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक आपको रास्ते नहीं सिर्फ दीवारें ही दिखाई देंगी। जब आप समर्पण करते हैं तो सही परिस्थितियां आपके लिए अपने आप ही बन जाती हैं। नेवर गिव अप। आप विपरीत गुणों वाली दुनिया में रहते हो, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव आता है। आपने भी दोनों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप किसी कारण से निराश महसूस कर रहे होंगे तो आपको हर आसान चीज़ भी मुश्किल लगती होगी। इसके विपरीत जब आप खुश और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं तो आप अपने आप को संसार के शिखर पर फील करते हो। आपको लगता है जैसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। पार्ट 3, द क्वेस्ट, द लेबरिंथ। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं या उन पर काम भी स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वे जहाँ खड़े हैं वहाँ से उन्हें अपने सपने का पूरा रास्ता नहीं दिखाई देता। ये समझनी चाहिए कि आप आगे का पूरा रास्ता कभी नहीं देख पाओगे, इसलिए आप ये नहीं जान सकते कि आपका सपना कैसा सच होगा। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे भी खुद ये नहीं जानते थे कि उनका सपना कैसे साकार होगा। उन्होंने तो बस विश्वास किया कि ये जरूर साकार होगा और उन्होंने तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि ये साकार नहीं हो गया। आपके सपनों का रास्ता भूल भुलैया की तरह होता है। आप बस अपने आगे की कुछ फिट की जगह देख सकते हो। आप तब तक ये नहीं देख सकते कि अगले मोड़ के आगे क्या है जब तक कि आप वहाँ नहीं पहुँच जाते। उसके बाद फिर आपको आगे के कुछ जगह दिखाई देती है। कई बार सामने बंद गली आ जाती है जहाँ से आपको मुड़ना पड़ता है, और कई बार आपको अचानक शॉर्टकट मिल जाते हैं जिससे आपकी स्पीड और बढ़ जाती है। आपके सपनों का रास्ता भी ऐसे ही खुलता है। कोई भी आगे का पूरा रास्ता नहीं देख सकता। आपको बस अपने पहले स्टेप आगे रखने की इच्छा करनी है और अपने सपनों की यात्रा पर निकलना है। अपनी यात्रा में आपको एक टाइम में एक स्टेप ही उठाना है। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों आप एक स्टेप हमेशा उठा सकते हो। ने सेयर्स एंड एलाइज। हीरो की यात्रा में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं कहने वाले होते हैं। वे आपको आपका सपना हासिल करने से रोकने का काम करते हैं। जो इंसान कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी नहीं किया गया था, तो उसे हजारों नेगेटिव लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि उसका सपना इम्पॉसिबल है। एडिसन ने जब लोगों से कहा था कि वे ऐसी टेक्निक खोजने वाले हैं जिससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा? जब अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने कहा था कि वे ऐसे यंत्र पर काम कर रहे हैं जिससे हजारों मील दूर बैठे दो लोग आपस में बात कर पाएंगे, तो लोगों ने क्या कहा होगा?
अगर आपके पास एक बड़ा सपना है और आपके आसपास बहुत से नेगेटिव लोग नहीं कहने वाले हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप ये कर सकते हो। दूसरे लोगों को अपने सपने के बारे में बताने से पहले अपने सपने पर काम करो, अपने सपने पर विश्वास करो और अपने मन में अपने सपने को अच्छी तरह से बिठा लो, जब तक कि इसकी क्लियर पिक्चर आपके सामने स्पष्ट ना हो जाए। नहीं कहने वाले लोगों की हकीकत यह है कि वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग के दरवाजों को बंद कर लिया है और वे खुद अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं। अगर वे पूरी क्षमता के साथ जी रहे होते तो वे समझ जाते कि असंभव कुछ भी नहीं है। हीरो की यात्रा में हमें नहीं कहने वाले लोगों की तरह ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी लाइफ में एक सहयोगी या एक देवदूत की तरह आते हैं और आपकी यात्रा में आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी अकेले दम पर सपने हासिल नहीं कर सकता है। असंख्य लोग हैं जो इस यात्रा में आपका समर्थन करेंगे और साथ ही आपकी हेल्प भी करेंगे। द रोड ऑफ ट्रायल्स एंड मिरेकल्स। आपके सपनों की यात्रा हमेशा आसान नहीं होगी, इसमें बाधाएं और समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। अपने सपने की बड़ी पिक्चर को कभी मत भूलो। छोटी छोटी असफलताओं को अपने सपनों की राह में रोड़ा मत बनने दो। हीरो की जर्नी में चुनौतियों और बाधाओं का उद्देश्य हमें उन गुणों व योग्यताओं के लिए तैयार करना है जिनकी ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हमारा सपना साकार हो जाएगा। अगर आपके पास सक्सेस को संभालने की योग्यताएं नहीं होंगी तो आपका सपना जैसे ही आपको हासिल होगा वैसे ही धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए ये चुनौतियाँ और बाधाएँ हमें सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती हैं। द सुप्रीम ऑर्डियल। हीरो की जर्नी में एक लास्ट चुनौती होती है जिसका सामना आपको सक्सेस पाने से पहले करना पड़ता है। इसे सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। ये आपके सपने की मृत्यु जैसा नजर आ सकता है, लेकिन इस परीक्षा को पार करके आपके सपने का उदय हो जाता है। पार्ट 4, विक्ट्री। द रिवार्ड्स। जो टीमें खेल की चैंपियनशिप जीतती हैं, जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतते हैं और जो खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं, आपने इन सब की जबरदस्त खुशी देखी होगी। इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये आप तक भी पहुंच जाती है। आप खुशी से झूम उठते हो और यहाँ तक कि खुशी से आपके आंसू तक निकल जाते हैं। हमारा खुशी का एहसास उस खिलाड़ी की तुलना में कुछ भी नहीं होता जो इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है, क्योंकि हर कदम के बाद, सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद और सारी बाधाओं से उभरने के बाद ही आप ये जान सकते हो कि सफलता के इस पल को एक्सपीरियंस करना कैसा लगता है। आपके सपने की सफलता का अंतिम पुरस्कार जर्नी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाते हो जहां आप शायद लाइफ में पहली बार उन चीज़ों को खरीद सकते हो जिन्हें आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। आप उन जगहों पर घूमने जा सकते हो जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, और आप उन चीज़ों को कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसके साथ ही आपके पास अपनी सफलता अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर बन सके। ए लाइफ वर्थ लिविंग। हीरो की जर्नी में आपके साथ कुछ बड़ा घटित होता है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपनी जर्नी में एक और स्टेप उठाने के लिए इंस्पायर होते हो। ये लास्ट स्टेप है। इस लास्ट स्टेप से आप सच्चे हीरो बन जाते हो और आपकी हीरो की यात्रा पूरी हो जाती है। आप में अपना सपना साकार करने का जो जोश, जो जुनून था, वो अब करुणा में बदल जाता है, और आप उन लोगों की मदद करने के लिए लौट आते हो जो उतने ही सुविधाहीन हैं जितने की कभी आप थे। आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनकी निराशा की भावना को जानते हैं, क्योंकि आपने खुद उसका अनुभव किया था। अब आपके अंतर्मन से आवाज़ आती है कि आपने अपनी यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया है उससे आज जितने ज़्यादा लोगों की मदद आप कर सकते हो, उन्हें इंस्पायर कर सकते हो, उतना करो। हर वो चीज़ करो जो आप कर सकते हो। जब मैं इस तरह से अपनी लाइफ का इस्तेमाल करती हूँ जिससे किसी दूसरे इंसान का जीवन बेहतर बनता है, तो मैं बेहद जीवंत महसूस करती हूँ। लिज मरे। आज मेरे पास जो भी है वो सब समाज ने मुझे दिया है। मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कृतज्ञ होकर सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्य को निभाऊँ। GM राव। जब आप हीरो की जर्नी कंप्लीट कर लेते हो तो आप जानते हो कि जिन लोगों ने आपकी मदद की थी, उनके सपोर्ट के बिना आप कभी अपने सपने को हासिल नहीं कर पाते। अब आप अपनी हासिल की हुई सारी कुशलताओं और योग्यताओं के साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चल पड़ते हो, उन्हें अवसर प्रदान करते हो ताकि वे भी अपने सपनों का पीछा कर सकें। प्रेरणा, प्रोत्साहन और आशा ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर दिन दूसरे लोगों को दे सकते हो, और ये चीज़ें किसी को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं
जितना पैसे से नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, ये थी एक हीरो की यात्रा। आपके अंदर भी एक हीरो है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जो अपनी लाइफ के हीरो बनना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।